Hi kids, welcome to your English class and I am your digital teacher Ananya and I am back with a new lesson of your book that is Literary Journeys for Class 3 by Brainwood Publications. Children, today we shall start with a new lesson that is lesson number 14. This is the last chapter of your book and the title of the book is Mahatma Gandhi, the Great Leader. महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, हम सभी ने अपने बापू के बारे में पढ़ा है. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर. तो आज हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं. बट बिफोर दैट लेट्स डू अ वार्म अप एक्सरसाइज. लुक एट द गिवन पिक्चर्स, दीज आर द फेमस पर्सनैलिटीज. कैन यू रिकोगनाइज देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर. ये कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं, हमें इनके पिक्चर्स को देखना है, इन्हें आइडेंटिफाई करना है यानी पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं. ये सभी बहुत फेमस हैं, आप सब इनमें से बहुत से लोगों को जानते हैं, है ना? तो आपको खुद इनके नाम लिखने हैं, ओके? जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, आइंस्टाइन और बाकी दोनों के नाम आप खुद ढूंढिएगा. दो मैंने आपको बता दिए, दिस इज़ रविंद्रनाथ टैगोर, दिस इज़ अल्बर्ट आइंस्टाइन. इन दोनों के नाम आपको ढूंढने हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर्स हैं, ओके? अब आइए चैप्टर शुरू करते हैं. दिस अगेन चैप्टर इज़ इन अ फॉर्म ऑफ अ क्लासरूम कन्वर्सेशन. टीचर्स और बच्चों, जैसे आप लोग क्लास में जाते हैं बच्चों, वैसे ही ये भी एक क्लासरूम का सीन है जहाँ बच्चे और टीचर्स बात कर रहे हैं. द टीचर एंटर्स इन द क्लास एंड शोज द स्टूडेंट अ पिक्चर. टीचर जो है क्लास में एंटर करती है और एक पिक्चर बच्चों को दिखाती है. टीचर सेज, स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर, हु इज़ ही? सो दिस इज़ द पिक्चर दैट द टीचर इज़ होल्डिंग. वो बोलती है, बच्चों बताओ ये कौन है? रमन, ही इज़ महात्मा गांधी. तो रमन सेज ही इज़ महात्मा गांधी. टीचर, हु इज़ महात्मा गांधी? सो रघु, अनदर स्टूडेंट सेज, ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ही हेल्प्ड इंडियंस इन गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम इंग्लिश मैन. तो रघु ने बताया कि महात्मा गांधी एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर नेता हैं. उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग की, यानी हमारे भारत को आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया और हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाई, राइट? टीचर, गुड, नाउ टेल मी व्हाट इज़ हिज कंप्लीट नेम? शीना, हिज कंप्लीट नेम इज़ मोहनदास करमचंद गांधी. ठीक है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी. डू यू नो वेयर ही वॉज बॉर्न एंड वेयर? क्या आपको पता है कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ था और कब? तब रघु ने बताया, ही वॉज बॉर्न ऑन 2nd अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन कुछ इन इंडिया. पोरबंदर गुजरात में एक जगह है बच्चों, वहाँ पर 1869 में 2nd अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और इसीलिए हर साल हम 2nd अक्टूबर को गांधी जयंती, हमारा नेशनल फेस्टिवल की तरह मनाते हैं. टीचर, रिचा, वेयर इज़ पोरबंदर इन इंडिया? तो टीचर ने रिचा से पूछा, रिचा आप बताओ पोरबंदर कहाँ पर है? तब रिचा ने बताया, पोरबंदर इज़ इन गुजरात. पोरबंदर गुजरात में एक स्थान है. हाउ डू यू नो? रिचा ने बताया, आवर SST टीचर टोल्ड अस मैम. हमारी SST टीचर ने हमें इसके बारे में पढ़ाया है. टीचर, महात्मा गांधी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया. गांधी जी हेल्प द इंडियन पीपल इन गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल थ्रू नॉन वायलेंट मेथड्स. महात्मा गांधी जो है अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, लड़ाई में, मार दंगे में उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था. उन्हें लगता था कि अहिंसा ही सबसे बड़ा शस्त्र है और प्यार से हम शत्रु को भी जीत सकते थे. ठीक है. टीचर, बाय विच नेम वॉज गांधी जी ऑनर्ड बाय द इंडियंस आफ्टर इंडिपेंडेंस? आज़ादी के बाद उनको क्या नाम दिया गया? पलक ने बताया, ही वॉज ऑनर्ड एज द इंडियंस एज द फादर ऑफ द नेशन. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड गांधी जी महात्मा, विच मीन्स ग्रेट सोल. तो महात्मा उनका नाम जो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको दिया था, जिसका मतलब होता है पुण्य आत्मा, महान आत्मा. ठीक है. टीचर ने पूछा, वेरी गुड, एट द एज ऑफ 13 गांधी जी गॉट मैरिड, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ?
फिर टीचर ने बच्चों से पूछा कि आपको पता है गांधी जी की शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी, उनकी पत्नी का नाम कौन बताएगा? तो क्लास में गोपी ने कहा श्रीमती कस्तूरबा गांधी, यानी गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती कस्तूरबा गांधी। टीचर ने पूछा येस डू यू नो गांधी जी वॉज वन ऑफ द फ्यू इंडियंस हु स्टडीड लॉ इन लंदन। गांधी जी उन कुछ लोगों में से थे जो विदेश में पढ़ के आए थे, उन्होंने लंदन में जाकर लॉ की पढ़ाई की थी, यानी कानून की पढ़ाई की थी। ही रिटर्न इन इंडिया इन 1891 टू प्रैक्टिस लॉ। इन 1893 ही टुक अप 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू डू लीगल वर्क इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने लॉ पढ़ने के बाद 1 साल साउथ अफ्रीका में काम भी करना पसंद किया, यानी वहाँ पे काम भी करना शुरू किया था। डू यू नो फ्रॉम वेयर गांधी जी स्टार्टेड स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम। क्या आप सबको पता है कि गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई कहाँ से लड़ने शुरू किया? रघु ही स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द इंग्लिश फ्रॉम साउथ अफ्रीका। उन्होंने वहीं साउथ अफ्रीका में काम करते दौरान ही इंग्लिश यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। Our SST teacher told us at that time the British ruled over South Africa too. हमारे SST teacher ने बताया कि उस समय Britishers इंडिया में तो राज कर ही रहे थे, साथ ही में South Africa में भी राज कर रहे थे और वहाँ की स्थिति भी बहुत ख़राब थी। तब टीचर ने बताया Exactly when he tried to claim his rights as a British subject, he was abused and soon saw that all Indians suffered similar treatment. Gandhi ji stayed in South Africa for 21 years working to secure rights of Indian people. Gandhi ji South Africa mein kai saalon tak kaam karte rahe taki wahan ke Indians ko nyay mil sake aur unka adhikar mil sake. He developed a method of action based upon the principles of courage, non-violence, truth called satyagraha. Unhone ek aisa niyam niti अनुशासित पथ निकाला जिसको सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना, सच्चाई के लिए लड़ना ये स्टार्ट किया। सत्याग्रह प्रमोटेड नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग पॉलिटिकल एंड सोशल गोल्स। यानी सत्याग्रह के थ्रू, अहिंसा के थ्रू उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। इन 1915 गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। 1915 यानी 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए और स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में शामिल हो गए। विद इन 15 ईयर्स ही बिकेम द लीडर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। और 15 साल में ही वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए और इंडियन नेशनल मूवमेंट के एक प्रोमिनेंट लीडर बन गए। यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह ही लेड कैंपेन फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। उन्होंने ब्रिटेन से ही जो है शुरुआत कर दी थी इंडियन इंडिपेंडेंस को हासिल करने की। गांधी जी वॉज अरेस्टेड मेनी टाइम्स बाई ब्रिटिश फॉर हिज एक्टिविटीज़ इन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। कई बार जो है गांधी जी को अंग्रेज़ों ने जेल में बंद कर दिया, उन्हें पकड़ लिया गया, क्योंकि लोगों को डर था, अंग्रेज़ों को डर था कि महात्मा गांधी एक बहुत ही पॉपुलर लीडर है, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोगों को आज़ादी के खिलाफ और ज़्यादा जागरूक कर दें, इसीलिए कई बार उनको जेल जाना पड़ा। ही बिलीव्ड दैट इट वॉज ऑनरेबल टू गो जेल फॉर अ जस्ट कॉज ऑल दो ही स्पेंड 7 ईयर्स इन प्रिजन फॉर हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। उनको ऐसा लगता था, गांधी जी का ऐसा मानना था कि किसी अच्छे काम के लिए जेल जाने में कोई बुराई नहीं है, ये तो फ़ख्र की बात है कि हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और मातृभूमि के लिए जेल जा रहे हैं। फिर टीचर ने पूछा बच्चों क्या आपको पता है कि इंडिया ने आज़ादी कब प्राप्त की, कब जीते? सब बच्चे एक साथ बोले 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ इंडिया। टीचर इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड पार्टीशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। Writing between Hindus and Muslims followed. Gandhi ji had been an advocate of united India where Hindus and Muslims lived together in peace. तब टीचर ने बताया कि हाँ बिल्कुल 15 अगस्त को हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन हिंदू मुस्लिम अलग हो गए, पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया इसी कीमत पे। लेकिन गांधी जी का ये सपना नहीं था, गांधी जी हमेशा एकत्र भारत यानी जहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहे उसी भारत का सपना देखते थे।
On 13 January 1948, at the age of 78, he began a fast with purpose of stopping bloodshed. 1948 में उन्होंने अनशन यानी भूख हड़ताल पर बैठे ताकि लोग एक दूसरे को मारना, खून करना, खून बहाना रोक दें. After 5 days, the opposing leader pledged to stop the fighting and Gandhi ji broke his fast. 5 दिन बिना कुछ खाए पिए, जब लोगों को पता चला कि गांधी जी ऐसे हड़ताल पे बैठे, तब उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अब खून खराबी नहीं करेंगे. When did गांधी जी die? अब सबने पूछा कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई. इस बात का किसी के पास भी जवाब नहीं था. काफ़ी बच्चों को इस बारे में पता नहीं था. तब टीचर ने कहा, ही डाइड ऑन 13 जनवरी 1942. डू यू नो हाउ डिड ही डाई, वो कैसे उनकी मृत्यु हुई. सुमन, समवन किल्ड हिम, किसी ने उनको मार दिया था. तब टीचर ने बताया, यू आर राइट सुमन, नाथूराम गॉडसे हु अपोज्ड हिज प्रोग्राम ऑफ टॉलरेंस ऑफ ऑल क्रीड्स एंड रिलीजन असैसिनेटेड हिम व्हाइल ही वाज गोइंग टू अटेंड अ प्रेयर मीटिंग एट बिरला भवन. जब गांधी जी बिरला भवन के तरफ जा रहे थे, तब नाथूराम गॉडसे के एक व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी. महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम हिज लाइफ. बापू यानी हमारे महात्मा गांधी एक बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, बहुत आदर्शवादी इंसान थे, उनसे हम सभी को शिक्षा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए. तो बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर जिसमें हमने महात्मा गांधी की बारे में बहुत कुछ पढ़ा. उनका पूरा नाम क्या था, उन्होंने क्या पढ़ाई की थी, वो कहाँ पैदा हुए थे, उनकी शादी कब हुई, किससे हुई, कैसे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सम्मेलन किया, ये सब हमने पढ़ा. ठीक है, आइए अब वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते. फ्रीडम फाइटर मीन्स स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि एनीबडी हु फाइट्स फॉर गेटिंग फ्रीडम ऑफ द कंट्री. पॉलिटिकल मीन्स कनेक्टेड टू पब्लिक अफेयर्स ऑफ अ कंट्री. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ रिटन एग्रीमेंट. अब्यूज्ड मीन्स किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, इल ट्रीटमेंट. नॉन वायलेंट मेजर्स मीन्स अहिंसा का मार्ग. ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस, नॉट एक्सेप्टिंग द ऑर्डर्स. प्लेज्ड मीन्स प्रण लेना, वाउड. स्पिरिचुअल मीन्स रिलीजियस यानी धार्मिक. ऑनर्ड मीन्स किसी का रेस्पेक्ट करना. लीगल्स मीन रिलेटिंग टू लॉ. सफर्ड मीन्स बहुत ज़्यादा वेदना या मुश्किलों से गुजरना, एक्सपीरियंस्ड पेन. रॉइटिंग मीन्स वाइल्ड डिसऑर्डर. And assassinated means किसी को मार देना यानी killed. Okay? So we have read all the word meanings. I hope whenever you will have time, you will revise them and learn them also. Now let's move to the exercises. First of all, we have MCQs. Gandhi ji was born on 2nd October 1869. Okay? C option is correct. सेकेंड, गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर गुजरात. पोरबंदर गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे वो पैदा हुए थे. गांधी जी वेंट टू डैश टू टेक अप 1 year कॉन्ट्रैक्ट लीगल वर्क. 1 साल के काम करने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे. ठीक है, वहीं पे अंग्रेज़ों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था और उन्होंने देखा कि कई भारतीयों के साथ जो है बुरा व्यवहार हो रहा है. आगे बढ़ते हैं. फोर्थ वन, द इंडियंस कॉल गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन. हम महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं, यानी राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं. नाउ चिल्ड्रन, वी हैव टू डू द फिल इन द ब्लैंक्स. देयर आर हेल्प बॉक्स गिवन एंड वर्ड्स आर गिवन. वी हैव टू चूज दीज वर्ड्स एंड फिल देम अप्रोप्रिएटली. सो लेट्स बिगिन. गांधी जी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर या गुजरात. गुजरात लिखते हैं बिकॉज हेल्प बॉक्स में गुजरात लिखा हुआ है. गुजरात इन इंडिया. सेकेंड, ही वेंट टू डैश टू स्टडी लॉ. ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ. इंग्लैंड में वो लॉ पढ़ने गए थे. ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी स्टार्टेड हिज फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम साउथ अफ्रीका. उन्होंने साउथ अफ्रीका से ही जो है स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी, जहाँ वो 21 साल रहे थे. ठीक है, ही स्टेड देयर फॉर 21 years. ऑलराइट, फोर्थ, ही स्टार्टेड डैश मूवमेंट एंड वेंट टू जेल मेनी टाइम्स. ही स्टार्टेड सत्याग्रह. सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था उन्होंने और कई बार जो है वो जेल गए.
फिफ्थ वन ही वॉज असैसिनेटेड, उनको किसने मारा था? उनको गॉडसे, नाथूराम गॉडसे ने मारा था. ठीक है, आई होप चिल्ड्रन दैट यू हैव नोटेड ऑल द आंसर्स. आपने सारे आंसर्स और सारी एक्सरसाइज कर लिए होंगे. अब आगे बढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स. लेट्स डू ट्रू एंड फॉल्स. ओके, फर्स्ट वन, कंप्लीट नेम ऑफ महात्मा गांधी इज मोहनदास करमचंद गांधी. यस, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है. पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी. इसके बाद आते हैं, गांधी जी वॉज बॉर्न इन अहमदाबाद गुजरात. दिस इज फॉल्स. गुजरात में तो पैदा हुए थे लेकिन अहमदाबाद नहीं, पोरबंदर में. ठीक है. थर्ड, एट द एज ऑफ 18 गांधी जी गॉट मैरिड. एट द एज ऑफ 13 गांधी जी गॉट मैरिड. यस, 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी. फोर्थ, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th August 1950. नो, दिस इज रॉन्ग. 1950 नहीं, 1947, सो दिस इज फॉल्स. फिफ्थ, गांधी जी डाइड ऑन 30th January 1951. यस, दिस इज ट्रू. ओके, सो चिल्ड्रन, ट्रू एंड फॉल्स ऑल्सो वी हैव कम्प्लीटेड. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन एंड आंसर्स. दिस यू वुड बी डूइंग बट आई विल डिस्कस देम सो दैट यू कैन कम्प्लीट देम ईजीली. फर्स्ट, हु वॉज महात्मा गांधी? महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ फ्रीडम फाइटर. Why was he called Mahatma Gandhi? He was called Mahatma Gandhi because he was a great soul who always walked on the path of non-violence and satyagraha. He was given this name by Gurudev Rabindranath Tagore. Mahatma means a free spirit or somebody who is very, very pure. Okay. Third, what was his way of fighting against the British? What was the name given to it? He always believed that to fight against the British only non-violence and civil disobedience will work. The special name given to this movement was Satyagraha. Okay, that is fight for the truth. Fourth, what did he do at the age of 78? Why? At the age of 78, he started fasting because he wanted to stop the fighting and killing of people. He wanted to stop the bloodshed. And that is why he kept a fast for 5 days. All right. Fifth, how did Gandhiji die? Gandhiji died when a person named Nathuram Godse assassinated him. He was on his way to a prayer meet to Bhartiya Bhavan, and that time a person named Nathuram Godse killed him and assassinated him, उन्हें गोली मार दी थी. ठीक है, सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द एक्सरसाइजेस चिल्ड्रन. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू देम एंड आई एम श्योर नाउ यू वुड बी एबल टू ऑल दीज एक्सरसाइजेस. सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू एन एंड टू टुडे सेशन. सो आई होप यू एंजॉयड दिस बुक. आई विल मीट यू अगेन विद सम न्यू वीडियोज वेरी सून. सो बाय बाय एंड टेक केयर. And till we meet again, stay tuned for the upcoming videos and take care of yourself. Bye-bye.